हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस चलिए गाइस आप लोगों को इस वीडियो में दिखा देते हैं कि आप लोगों का कमेंट लगातार आता है कि सिर्फ रंजना के बारे में ऐसा दिखाता है। तो हमारे घर में बस तीन जने हम लोग अभी, और हम और रंजना और मम्मी। तो मम्मी का तो आप लोग जवाब सुन ही लिए, वैसे तो कुछ आप उनके बारे में अभी हम कुछ नहीं बोलना चाहते हैं कि आप लोग बोलेंगे कि बुराई बता रहा है या कुछ। बस इतना बताते रहे कि अगर आप लोग हमारे जगह पे होते तो क्या करते, ये कमेंट कीजिएगा कि हम लोग तीन जन हैं और तीन जन में सिर्फ हम और रंजना है, तो हम दोनों ही बात करेंगे तो दिखेगा। अभी मम्मी बोल दी हैं साफ साफ कि मैं तुम्हारे ब्लॉग में नहीं बोलूँगी। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि अब मैं जो भी करने जाऊँगा या करूँगा, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है कि अभी क्या करना चाहिए। लेकिन हाँ, ये सब जो चेंजेस हो रहा है या बदल रहा है, ये पता नहीं इसका रीज़न सबसे ज़्यादा मुझे भी पता है कि क्या है। खैर जो भी है, आप लोग खूब सारा प्यार दीजिएगा ब्लॉग में, और रंजना बखूबी निभाती है। फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है कि रंजना को बोला जा रहा है कि ये कुछ नहीं कर रही है या जो भी है, और वो डे वन से जो है अपना पूरा कर्तव्य निभाई है और आगे भी निभाएगी। अगर ऐसा कंडीशन रहा तो फिर मैं जाऊँगा कहीं, तो फिर इसको भी साथ में जाना पड़ेगा, क्योंकि कहते हैं कि अगर साथ में जाएगी तो ही हम लोगों का कोई भी काम आगे बढ़ पाएगा। अकेले अगर हम चले जाएंगे तो हम लोग और पीछे चले जाएंगे। तो देखते हैं अभी क्या होता है क्या नहीं। और ऐसे अगर दो आदमी को ही बात करना है तो कहीं भी रहेंगे तो हम लोग बात कर लेंगे। शायद हमारे बात से आप लोगों को अभी ख़राब लग रहा होगा, लेकिन आगे चल के जो है इसको देखने को मिल जाएगा। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा, कि पहले के जैसा सब कुछ सही से बात हो यार, लेकिन ये नहीं हो सकता है। मुझे पता है ये रीज़न क्या होगा। आप लोगों को बस इतना ही बोल देंगे कि आगे हम लोगों को गलती ना बोले, और बस मुझे तो वैसे भी हंसना हंसाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, कॉमेडी करके रखना। लेकिन अगर ऐसा कंडीशन आ जा रहा है कि मैं नहीं बोलना चाह रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं, उनका ऑप्शन है, उनके मन जैसा जब मन करे वो कहें, कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना ही बोलेंगे कि अब हमको भी समझ जाना चाहिए कि हम बार बार जाना बार बार पूछना बार बार बोलना कि आप बोलिए, अब हम थक चुके हैं, इसलिए हम लोग अब ज़्यादा कुछ फोर्स नहीं करेंगे। जिसको बोलना है बोले, नहीं बोलना है मत बोले। और जैसे घर में हम लोग बात, ऐसा लग रहा है कि घर में नहीं है हम लोग, ऐसा लग रहा है कि एक बिग बॉस के हाउस में कॉम्पिटिटर होता है ना, वैसा टाइप का बिहेवियर। हम बोल भी रहे हैं कि इतना दिन तक साथ में थे लोग, कम से कम अच्छे से वीडियो बनाएंगे, पर नहीं। अभी देखिए गर्मी कितना हो रहा है भाई, इतना ही देर बात की है तो पूरा गर्मी से दे भर गया। खैर लव यू ऑल, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और हम लोग खूब इंटरेस्टिंग वीडियो लाने वाले हैं, और बहुत गर्मी के वजह से समझ में नहीं आ रहा अभी क्या बोले। शायद अगर कोई गलती बात बोले होंगे या गलत बोले होंगे तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन इतना ही बोलेंगे कि तीन आदमी में एक आदमी बात ही नहीं करेगा, दो आदमी बात करेगा तो क्या ही बोले। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा गर्म क्यों लग रहा है ये? इतना ज़्यादा लेट आई है ना आज, देख लीजिए आप, 10 बजे। हम बहुत हमेशा जाती है, लेकिन थोड़ा तुम लेट हुआ है। वैसे तुम करती क्या हो रोज? अरे गया थोड़ा मम्मी जी के पैर में तेल लगाना था, और फिर बाद में थोड़ा तेल लगाना था, और मच्छरदानी लगा, पानी वानी रख कर आया है, दवा खाना है, थोड़ा सा मम्मी जी के बाल में थोड़ा तेल लगा, और फिर तबीयत उनका थोड़ा सही नहीं लग रहा था। तो चलिए गाइस, अब हमारे लिए खाना ला दीजिए, 10 बजने वाला है। हाँ, वैसे हम उस समय फिल्म देख रहे हैं, खाए हैं ये भी नहीं खाया है, तो मुझे तो भूख नहीं होती, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि एक रोटी खा लूँ, क्योंकि रात में ऐसे नहीं सोना चाहिए। नहीं, एक रोटी नहीं, अच्छे से खाना है। चलो जल्दी से फ्रेश हो जाओ। तो चलिए गाइस, आप लोग कौन कौन करते हैं अपने घर में कमेंट कीजिएगा, खूब सारा प्यार दीजिएगा। चलिए खाना खाते हैं अब बिना किसी देरी के। तो गाइस यहाँ पे आज देखिए, हम तो डर ही गए थे कि आखिर ये कर क्या रही है चेयर लगा के। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, आपको क्या लगा? तो फिर पता चला कि ये सफाई कर रहे, करो हम बोले थे कि कल हो जाएगा, कल वो तो कल करेंगे, कल इसको थोड़ा सा वो धो कर। इस वक्त लगभग 11 बज रहा है और रंजना अपना सफाई कर रही है। सफाई नहीं, क्योंकि अभी खा रहे थे तो देखिए इसमें से झोल गया,
तो हम बोले ना जल्दी से अच्छे से थोड़ा इस पे मत चढ़िएगा, अब इसको बता दें तो अभी सुबह का टाइम हो चुका है, मैं अभी जस्ट सो कर उठी और अब मैं चलूँ फ्रिज पे गया हूँ, थोड़ा पानी पियेंगे उसके बाद नहाएंगे। चलिए दिखाते हैं क्या टाइम हो रहा। तो यहाँ पे टाइम हो रहा 5:05, लेकिन मैं 5 मिनट आगे ही रखती हूँ अभी तक, और यहाँ पर जल्दी बैठा हुआ है। ये हमारे ही रूम में था, लाइट भी कटा हुआ था, एकदम अच्छे से था। अब इसको ठंडा ठंडा मिल रहा है, तो चलो सबसे पहले पानी लाते हैं। तो अब यहाँ पे मैं नहा कर रेडी हो चुकी हूँ और अब मैं चल रही जल्दी से पूजा करने, और आज मैं बाल धो करने आई हूँ क्योंकि कल रात में काफ़ी गर्मी था और मैं बाल में तेल भी लगा ली थी, तो आज मैं धोकर नहा ली। अभी एकदम फ्रेश फ्रेश फील हो रहा, तो अब चल रहे जल्दी से पूजा करने और इसके बाद फिर मम्मी जी से आशीर्वाद भी लेंगे। अब चल रहे जल्दी से, पति यहाँ पे जय ही आकर मेरे रूम में ही रहता है, वो तो उस वाले रूम में मम्मी जी के रूम में। तो अभी चल रहे जल्दी से पूजा करने, चलिए आप लोग भी। यहाँ पे आ गए अपने मंदिर में पूजा करने, बाकी यहाँ पे और फ्लावर वगैरह आ चुका है और आज सब रूम में अरेंज भी होगा और आज ये सब हो सकेगा तो धुलाएगा भी, तो आप लोग को ब्लॉग में देखने को मिलेगा ही। और अभी चल रहे हैं मंदिर में, पहले उससे पहले साफ कर लेते हैं मंदिर। तो अब पूजा कर लिए, पूजा कर मम्मी जी से आशीर्वाद भी ले लिए, और देख सकते हैं यहाँ पे कितना गर्मी लग रहा है, और गर्मी काफ़ी, तो गर्मी तो लगेगा ही। और उसके बाद अब चल रहे जल्दी से नाश्ता बनाना है मुझे, देखते नाश्ता में आज क्या बनाना है क्या नहीं। उसके बाद आज हो जाएगा तो थोड़ा सफाई वगैरह भी होगा और रूम भी सब अरेंज करना होगा, क्योंकि मम्मी जी और मैं हम दो जन ही हैं तो दोनों जन को मिलकर करना है। तो अभी मैं चल रही हूँ जल्दी से नाश्ता बना लेती हूँ, उसके बाद मैं भी जाऊँगी मम्मी जी के साथ हेल्प करूँगी। अभी तो खैर मम्मी जी भी कर रही हैं और उसके बाद मैं भी जल्दी से घर पर जाऊँगी। तो चलिए चलते किचन की ओर, और अभी मैं चल रही हूँ थोड़ा सा बालकनी में अपने, देखते हवा चल रहा है कि नहीं क्योंकि गर्मी है। मैं चल रही हूँ बाहर, और अभी इधर देखिए काम सब लगा हुआ है, तो इधर अभी फिनिशिंग हो रहा है, बाकी अभी मैं चल रही हूँ अंदर। तो यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ अपने किचन में, और अभी देखना है क्या बनाना है क्या नहीं। और यहाँ पे दूध गर्म हो चुका है, इससे पहले चल के ये सब अरेंज कर दे क्योंकि अभी धूप। तो यहाँ पे मैं सोच रही हूँ जल्दी जल्दी एक साइड में दाल चढ़ा दूँ और आलू, और एक साइड में सब्जी। तो यहाँ पे मैं दाल धोकर जल्दी जल्दी इसमें नमक और हल्दी डाल रही थी, हल्का सा तेल डाल देंगे। फिर उसके बाद इसमें आलू है तो आलू डाल देंगे दाल में, जो कि धोकर रखा हुआ है। तो गाइस यहाँ पे मैं कैमरा फिक्स कर रही थी और एक साइड में दाल चढ़ा दी थी, और उसके बाद एक साइड में सोच रही जल्दी से सब्जी छौंक दी कि गर्मी काफ़ी है तो जल्दी जल्दी बना लेंगे तो सही रहेगा। बाकी इसमें मैं चल रही जल्दी से चावल धोकर रख लेती हूँ, दाल हो जाएगा तो मैं चावल चढ़ा दूँगी। तो यहाँ पे कढ़ाई गरम हो चुका है और इसमें मैं तेल डाल दी, तो इसमें तो यहाँ पे दाल और सब्जी हो रहा होने के कारण अब चल रहा है बाहर थोड़ा, मुझे बहुत जोर का प्यास लगा हुआ है तो थोड़ा पानी निकाल कर पी लेते हैं। यहाँ
हाथ में भी हो रहा था तो भी इतनी मतलब बहुत ज़्यादा मिसाज मैंने और तो यहाँ पे दाल हो चुका, हमने चावल चढ़ा दी और यहाँ सब्जी हो रहा, तब तक हम चलिए जल्दी से मुझे सोफा का कवर है। सब ये सब डाल देती हूँ वॉशिंग मशीन में धो दिया। अब चलते जल्दी से रूम में आकर, आज मुझे बेडशीट भी चेंज करना है तो चलते जल्दी से चेंज निकाल देते हैं। तो यहाँ पे अब बारी की चोखा बनाने की, तो यहाँ पे मैं मिर्च और प्याज काट ली हूँ, बाकी वहाँ पे आलू उबाल कर रखा हुआ, तो अभी इसको मैं अच्छे से मैश दूँगी। बाकी यहाँ पे बन गया है कद्दू का सब्जी और चावल दाल। तो अब बस चोखा बनाना है, तो जल्दी से चलते बना लेते हैं चोखा। तो यहाँ पे नाश्ता सब बन गया और अब चल रहे जल्दी से नाश्ता मम्मी जी को दे रहे हैं, तो यहाँ पे जल्दी जल्दी सर्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए नाश्ता निकल चुका है, चोखा दाल सब्जी रोटी और यहाँ पे सब फ्लावर वगैरह धोकर रखा हुआ है। अब चल रहे जल्दी से दे। तो यहाँ पे देखिए नाश्ता निकल चुका है, चोखा दाल सब्जी रोटी और यहाँ पे पानी ले लेंगे। तो अब चलते जल्दी से देते हैं, उसके बाद हम लोग भी सब लोग नाश्ता करेंगे। और यहाँ पे दूध भी गर्म हो चुका है और यहाँ पे सब फ्लावर वगैरह धोकर रखा हुआ है। चल रहे जल्दी से देंगे। तो फाइनली यहाँ पे बेडशीट अब चेंज कर दिया और मुझे अपने रूम का भी चेंज करना है, तो चलते हैं जल्दी से, अब चेंज कर लेते हैं हम लोग। तो गाइस अभी बेडशीट चेंज हो गया, हम लोग सोच रहे हैं गद्दा चेंज करने के लिए, क्योंकि गद्दा जो है ना ये बहुत ज़्यादा गर्मी दे रहा है। तो मम्मी बोली कि ठीक है गद्दा जो है तुम हमारे वाले रूम में रख दो और हमारे वाला जो रूम में था गद्दा उसको तुम ले लो। तो हम बोले ठीक है, क्योंकि इसमें मैं इतना मोटा है ना, आग फेंक रहे थे। और इसमें ही एक बैड न्यूज आ गया है कि हम लोगों का जो एसी था वो चूहा वहाँ से लोग काट दिया है, लोग चूहा से बड़ी परेशान है लोग। तो यही बात है कि साफ सफाई चल रहा है और पीछे जो है सारा का सारा जो है फूल और निकला हुआ है। थोड़ा मम्मी अभी आराम कर रही है, उसके बाद जब उठेंगे तो सब फिर से सफाई होगा, तब तक रूम सफाई हो गया। और अभी मैं ज़मीन पे सो रहा हूँ ठंडा के लिए, थोड़ा क्या कर सकते हैं बस।